झारखंड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कल से झारखंड में फिर से स्कूल बंद हो जाएंगे, लेकिन परीक्षाएं होंगी, दुकानें भी रात 8 बजे तक के लिए खुली रहेंगी। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सभी स्कूल, कॉलेज, जिम, पार्क बंद रहेंगे। सिर्फ 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन कक्षाएं अभिभावकों की सहमति से ली जा सकेंगी। परीक्षाओं पर रोक नहीं लगाई गई है। सभी प्रकार के जुलूस, मेला, खेलकूद के आयोजन पर पाबंदी भी रहेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्य सचिव ने देर रात इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। इसके तहत राज्य भर में सभी दुकानें रविवार को पूरी तरीके से बंद रहेंगी। स्विमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे, लेकिन प्रशिक्षण जारी रहेगा। धार्मिक स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 50% लोगों के जुटने की अनुमति होगी और साथ ही वैकेंट हॉल जो है उपयोग सिर्फ शादी समारोह के लिए ही होगा। शादी में 200 से अधिक लोग नहीं शामिल हो पाएंगे और साथ ही श्राद्ध में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक मंगलवार को हुई है और वहीं राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री के मुताबिक वैक्सीन की जितनी जरूरत है राज्य में उस अनुपात में कमी है, इसका अनुपात बढ़ाया जाए, इसे लेकर अधिकारी केंद्र सरकार के संपर्क में है। साथ ही इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता हो गई है, उनसे 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन की मांग की गई है। अभी राज्य में 2.25 लाख वैक्सीन है। इसके अलावा राज्य को सैनिटाइजर, मास्क, दवा, वेंटिलेटर उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। राज्यवासियों को बाहर जाने वाले, बाहर से आने वाले सभी लोगों को पूरी तरीके से एहतियातन बरतने का आग्रह हम करते हैं। और सरकार के निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें और ऐसे संक्रमण में स्वास्थ्य सेवा कैसे इस जंग की तैयारी करे, इस पर भी हम लोगों ने चर्चाएं की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया है कि हम लोगों को 10 लाख से ज्यादा भी वैक्सीन की आवश्यकता है और कुछ कोवैक्सीन जो है वो 41,000 का हमारा टारगेट था, जिसमें हमने 22,000 दिया है और जो 10 अप्रैल तक उसको सेकेंड डोज देना है तो वो तो तत्काल हम लोगों को दे दिया जाए, नहीं तो हमारा जो है सेकेंड डोज का जो समय है वो समाप्त हो जाएगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मदन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मदन, लगातार झारखंड में भी तेजी के साथ कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और यही वजह है कि बैठक में तमाम फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ अपडेट उसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले एक महीने में कोरोना संक्रमण की रफ्तार झारखंड में तेज हुई है और खास करके राजधानी रांची में तेज हुई है, उसको देखते हुए कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्राधिकरण की बैठक हुई और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें कि सख्ती के साथ जो है कई निर्णय लिए गए हैं, जिसमें स्कूल, कॉलेज, पार्क, जिम और तमाम चीज़ें ऐसी है जिस पर कि पाबंदी लगा दी गई है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। साथ ही जो बाजार हैं, जो दुकानें हैं, वो रात 8 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया और रविवार को पूर्णतया बंद कर दिया गया है। तो ये आदेश जो है कल से प्रभावी होगा, इसको लेकर के मुख्य सचिव ने आदेश भी जारी कर दिया गया है।
लेकिन ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार संक्रमण की रफ्तार तेज हुई और जो कल पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 1264 के करीब जो है पूरे राज्य से संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें कि सिर्फ रांची से 539 हैं। तो इसको देखते हुए राजधानी रांची में खास करके संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। 12 जोन में जिले को बांट दिया गया है, वहाँ पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, पुलिस जवान तैनात किए गए हैं, वो मास्क की चेकिंग कर रहे हैं, साथ ही जो टेस्ट और जो वैक्सीनेशन है उसकी रफ्तार बढ़ाई गई है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जो है कोरोना संक्रमितों की जांच कराई जा रही है। साथ ही जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसको बॉर्डर के जिले में भी, दूसरे राज्यों से जो लोग आ रहे हैं वहां भी टेस्टिंग कराई जा रही है। तो संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए तमाम फैसले सरकार ले रही है, लेकिन लोगों से अपील भी कर रही है कि अगर लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो फिर कोरोना संक्रमण को रोक पाना नामुमकिन सा होगा। ऐसे में लोग जब तक मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तो फिर इस संक्रमण को नहीं रोका जा सकता है। तो मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है, लोग हालांकि जरूर लापरवाह नजर आते हैं, बिना मास्क के सड़कों पर घूमते हुए नजर आएंगे, तरह तरह की बहाने भी बनाएंगे, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि 1000 से ज्यादा यानी कि अब 1200 तक जो है राज्य का संक्रमितों का आंकड़ा प्रतिदिन का हो गया है। तो ऐसे में लोगों को सावधान होने की भी जरूरत है। मानव स्वास्थ्य विभाग की ओर से किस तरीके की सावधानियां बरती जा रही है और साथ ही किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि जानकारी सामने आ रही थी कि अस्पतालों में बेड्स की जो कमी है वो देखने को मिल रहे थे, तो जमीनी स्तर पर क्या वाकई सख्ती भी बरती जा रही है या फिर सुविधाओं में भी सीधे तौर पर इजाफा किया जा रहा है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के तरफ से लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, साथ ही जो बेड्स हैं उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है, जो क्रिटिकल सिचुएशन में जो मरीज हैं उनके लिए आईसीयू, वेंटिलेटर और तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। राजधानी रांची में ही तकरीबन 2500 के करीब जो है बेड बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है, साथ ही पूरे राज्य में मुख्यमंत्री ने कल आदेश दिया है कि 5000 बेड की व्यवस्था की जाए, ताकि आने वाले जो रफ्तार है, जो कोरोना के संक्रमण की जो तेज़ रफ्तार हुई है उसमें अगर संक्रमितों की संख्या बढ़ती है तो उस हालात में मरीजों को, यानी जो लोग संक्रमित होंगे उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इसको लेकर के लगातार जो है प्रयास की जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कल कहा है कि केंद्र सरकार से भी काफी चीजों का सहयोग मांगा गया है, चाहे वो वेंटिलेटर हो या अन्य जो कोरोना के समय में जो जो आवश्यक चीजें हैं उसकी आवश्यकता हमें है और हमने मदद मांगा है केंद्र सरकार से, तो हमें उम्मीद है कि जल्द मिल भी जाएगा। लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर से भी कई तरह के प्रयास कर रहे हैं, बेड के साथ साथ टेस्टिंग की जो जरूरत भी है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ी है ऐसे में ब्रेक लगाना काफी अहम हो जाता है। शुक्रिया मदन आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।